जी अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज जुमा का दिन है, सुबह सुबह उठे हैं तो एक दावत थी मिलाद पे जाने की, तो वहाँ पे मिलाद पे चक्कर लगाया। अभी 11 बज चुके हैं तो अभी जो है ना बारिश भी हो रही है, और बारिश में क्योंकि आज छुट्टी थी तो इसलिए हम बारिश में कुछ इंजॉय करने का मूड है बच्चों का भी और मेरा भी। और तो हम इंशाल्लाह अभी निकलते हैं बाहर का आपको माहौल दिखाते हैं। जलसे जुलूस तो शायद ना हो क्योंकि आज बारिश हो रही है, लेकिन मौसम अच्छा है, जुम्मा भी है और एक बार रबीउल अव्वल की नस्बत से भी ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, तो इसमें दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, और हमने भी सोचा चलो आज बाहर भी निकलते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं और इंशाल्लाह आज दुरूद भी पढ़ेंगे। तो अभी इंजॉय करते हैं बाहर, उसके बाद जो है ना जुम्मा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अब देखते हैं बाहर का माहौल। दोस्तों ये आप देख रहे हैं बिल्कुल हम घर की, बिल्कुल गाड़ी अभी बाहर निकाली है, शीशे में भी देख रहे हैं बारिश, ये बारिश लगी हुई है। बैठ गए हो? जी दोस्तों हम मेन रोड पर पहुंचने वाले हैं, जुम्मे का टाइम भी नज़दीक है, लेकिन हमने सोचा है भाई कोई भी अच्छा मौका हाथ से ना जाए और इसको एंजॉय कर ले, और करना भी चाहिए क्योंकि छोटी छोटी खुशियों को समेटना चाहिए, क्योंकि दिन भर की मसरूफियात होती हैं, टेंशनें होती हैं, उनको कम करने के लिए जो भी मौका मिले उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। अब हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, आधा घंटा तकरीबन हमें मिल चुका है इंजॉय करने के लिए, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बारिश को हम इंजॉय करें और आप दोस्तों को भी दिखाएं। और मैं यही कहूंगा सब दोस्तों से कि अगर जो भी लोग हैं जिनके बच्चे हैं या नहीं हैं उनको इंजॉय करना चाहिए, छोटी छोटी खुशियों को समेटना चाहिए। Yeah.